सवाल है। बोलिए। मैं पापा, हम तीन बेटियां एक लड़के हैं, दीदी की नौकरी लगने वाली थी पर पापा ने बाहर के लोगों के आने के मतलब में उनकी शादी करा दी। क्या कराने की वजह से? बाहर के लोगों के बातों में आ गए और उनकी शादी करा दी, उनकी यहाँ नौकरी लगने। अच्छा, जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। मेरा आपसे एक सवाल है। बोलिए। मैं पापा, हम तीन बेटियां एक लड़के हैं, दीदी की नौकरी लगने वाली थी पर पापा ने बाहर के लोगों के आने के मतलब में उनकी शादी करा दी। क्या कराने की वजह से? बाहर के लोगों के बातों में आ गए और उनकी शादी करा दी, उनकी यहाँ नौकरी लगने वाली थी। अच्छा, और बीच वाली दीदी भी, वो भी पढ़ना चाहती है पर पापा नहीं चाहते कि वो पढ़े। तो नौकरी अभी लग नहीं पाएगी उनकी? नहीं, उनकी बैंक में उन्होंने फाइनल एग्जाम था, उस दिन उनकी एंगेजमेंट करा दी, उससे पहले एंगेजमेंट करा दी एक दिन पहले। तो थोड़ा रुक जाते, हफ्ता 15 दिन और रुक जाते प्रभु। पर वो ऐसा ससुराल था कि वो नौकरी कराना नहीं चाहता था, वो चाहते थे कि काम करे, वो घर में ही रहे। तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बात कराइए आपके पापा से, कहाँ हैं? आए हैं पर वो बात करना नहीं चाहते क्योंकि लोगों की बातों में आ जाते हैं। बात कराइए। ये राय। राधे राधे। राधे राधे। ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी, संस्कार ही बात है। नहीं, संस्कार तो आपका देना धर्म है और अच्छी बेटियां हैं आपकी, संस्कारी हैं ही। जी जी। तो 2-4-10 दिन यदि आप आगे बढ़ा देते उस कार्यक्रम को, बेटी की नौकरी लग जाती, तो उसमें क्या बुरा था? ऐसा कुछ नहीं था, वो टेस्ट देने गई थी, टेस्ट फेल हो गई थी। फेल हो गई थी जी। सिर्फ एक नंबर से वो रह गई थी, पर वो कह रही थी मैं दोबारा देना चाहती हूँ। तो दोबारा देने का भी तो समय है या नहीं? टाइम बहुत था उसमें, इसलिए पापा ने रुके नहीं। अच्छा, तो आने वाले समय में तो भले शादी होगी तब भी तो कर सकती है ना वो अप्लाई? ससुराल वाले नहीं चाहते थे वो पढ़े। तो घर में सुखी है वो अपने यहाँ ससुराल में? बढ़िया है वो, मतलब काम बहुत है उसके घर पे। चलो, काम तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। मैं पूछ चुकी अभी, अभी छोटी दीदी भी उसके भी पढ़ने में मन है पर उसकी भी शादी कराना चाहते हैं। नहीं तो पढ़ने दीजिए थोड़ा, पढ़ाई जरूरी है। देखिए, बात कराइए आपके पिताजी से। पढ़ाई जरूरी है, मानना हूँ इस बात को, पर देखिए बेटों बच्चों का थोड़ा सा भविष्य का सवाल है। शादी विवाह तो हो ही जाएगा जी, जी, जी। पर थोड़ा भविष्य, कल को भगवान ना करे कि ससुराल में कोई दिक्कत हुई तो सेल्फ तो रहेंगे ना, कमा के खा सकती हैं अपना। ये तो आप पिताओं के लिए, और प्लस पॉइंट ये है कि कल को आपकी बेटी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो आपकी बेटी सेल्फ डिपेंड है, अपने पाँव पे खड़ी है, कमा सकती है। ठीक है, वो अच्छी, वो प्लस पॉइंट होता कि आपने शिक्षित की अपनी बेटियों को, ये प्लस है। थोड़ा सा रुक के पढ़ा लीजिए, 1-2 साल उसकी पढ़ाई हो जाएगी, डिग्रियां आ जाएंगी, भविष्य बन जाएगा उसका। लोग इच्छा इन लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे कोई परेशानी नहीं, इनकी इच्छा है। तो पढ़ने की इच्छा है बेटी की, तो पढ़ाएंगे आप? हाँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रही है दूसरी वाली बेटी। उसको तो पढ़ाने की बोल रहे थे पर मतलब मुझे डांस में और ड्राइंग में बहुत वो है, तो मतलब मुझे नहीं कुछ, मतलब कुछ नहीं वो करने दे रहे हैं। आपको किस फील्ड में जाना है? मुझे डांस में और ड्राइंग में ही जाना है। तो फिर पिताजी की क्या मर्जी है इसमें, बात कराएंगे? पापा आपसे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कराने की, घर पे जाके किसी की नहीं सुनते, बाहरों की लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आपको डांस करने कहाँ जाना पड़ेगा? सादाबाद में भी बहुत कोचिंग है, मैं उनसे लेती हूँ, डांसिंग ट्रेनिंग लेती हूँ। ठीक है, तो आप कर लेते हैं डांस? हाँ, थोड़ा बहुत। तो फिर इसके बाद क्या, इसका भविष्य क्या है ये बताइए हमें। मुझे आगे जाना है, जैसे कि आते हैं ना चैनल पे यूट्यूब डांस प्लस वगैरह, उसमें मुझे, मेरा सपना है मैं जाऊँ उसमें। ठीक है, आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं, पर पढ़ाई भी संग संग करते जाइएगा। आपकी जो पढ़ाई है ना, वो छोड़ देंगे, सिर्फ डांस रह जाएगा तो फिर भी काम बिगड़ जाएगा। इसलिए डांस रहे, एक सब्जेक्ट डांस भी होगा, पर वो पढ़ाई जो आपकी है वो जरूरी है जी गुरु। ठीक है, वो जरूरी है। और माता पिता की, देखो जो पिता होता है ना, वो आप लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, इस बात की लेके चिंता रहती है कि कहीं बेटी हो ना, आज समाज का माहौल अच्छा नहीं है, देश का। पिता हैं आपके, चिंतित रहते हैं कि भाई मेरी बेटी को किसी ने गंदी निगाहों से ना देख ले, कोई
आपको खतरा ना हो किसी भी प्रकार का, आपकी सुरक्षा चाहते हैं आपके पिताजी, उनके मन में ये है। एक बाप का भाव मैं समझ सकता हूँ अपनी बेटी के लिए, उसका भाव क्या है, आपकी सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी। आज समाज में बेटियाँ सिक्योर नहीं हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो आपके पिता के अंदर केवल आपकी सुरक्षा की भावना है, आपका किसी भी प्रकार से वो आहित नहीं करना चाहते, वो आपके पिता हैं। स्वप्न में भी उनके अंदर आपके लिए बुरी भावना नहीं आएगी, ना बुरा करने का सोचेंगे, जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। लेकिन उनकी अच्छी सोच में थोड़ा सा आपको भी उनका सहयोग देना चाहिए, और पिताजी आपको भी थोड़ा सा बेटी के अच्छे में उनका सहयोग करना चाहिए जी। ठीक है, दे राधे।